सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे मेरे साथ कुछ मित्तल हैं और ये अपना विप्रो का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं और यहाँ पे इन्होंने जो है विप्रो कंपनी क्रैक कर रखी है और यहाँ पे इनसे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपना असेसमेंट दिया था और इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरीके से इनका इंटरव्यू हुआ था और लेवल कैसा था, तो सब चीज़ के बारे में दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल बनने वाली है आपके लिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ मेरे साथ हैं और कुछ थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आप अपना बीटेक कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो थैंक यू मृदुल अपने चैनल पे दोबारा बुलाने के लिए। मेरा नाम कुश मित्तल है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और मैं अपनी बीटेक डिग्री जीएलयू यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। और जो विप्रो है वो हमारे ऑन कैंपस आईटी कंपनी एलाइट हाइड्रोजन के लिए, तो उसी का मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आज। तो यहाँ पे जो है ये अपना विप्रो इलाइट का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर करने वाले हैं और जो ऑन कैंपस कंपनी थी विप्रो में वो यहाँ पे विजिट की थी ऑन कैंपस। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि असेसमेंट क्या प्रोसेस था, ठीक है? तो कुछ थोड़ा सा आप बताइए कि असेसमेंट प्रोसेस कैसा था विप्रो का और कितने क्वेश्चन थे। असेसमेंट की बात करूँ विप्रो का तो फिर उसमें अलग अलग राउंड थे, जैसे कि पहला राउंड था एक एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें 50-60 क्वेश्चन आए थे, 48 मिनट्स का टाइम दिया था। और उसके बाद हुआ था एक ऑनलाइन प्रोग्रामिंग का 60 मिनट का जिसमें 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन दिए गए थे और वो नॉर्मल थे, जैसे मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना, स्ट्रिंग एरे से रिलेटेड क्वेश्चन। और उसमें जावा, C++, पाइथन, ये सारी लैंग्वेज हमें दे रखी थी, इनमें हम कोड कर सकते हैं। और उसके बाद एक और राउंड था ऐसे राइटिंग का जिसमें हमारी इंग्लिश चेक की जाती और वो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी किसी भी में। थर्ड राउंड हुआ था हमारा ऐसे राइटिंग का जिसमें हमारी इंग्लिश चेक की गई थी और कोई भी राउंड नेगेटिव मार्किंग नहीं था। यहाँ पे जैसे कि कुछ ने बताया कि दोस्तों यहाँ पे जो है जो इनके टोटल असेसमेंट हुए थे वो यहाँ पे 3 राउंड हुए थे। जो सबसे पहला राउंड था वो यहाँ पे क्वांट्स था, ठीक है? और सेकेंड राउंड दोस्तों यहाँ पे जो है इनका कोडिंग राउंड था और थर्ड राउंड जो है वो ऐसे राइटिंग था। तो पहले राउंड में दोस्तों यहाँ पे 50-60 क्वेश्चन होते हैं क्वांट्स के, जो कि आपको यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं और लॉजिकल भी क्वेश्चन होते हैं। और सेकेंड राउंड यहाँ पे ऑनलाइन कोडिंग होता है जो कि 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं और इन 2 क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ जो लेवल की बात करें वो यहाँ पे इजी रहता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन कोडिंग को क्रैक कर सकते हैं। और इसमें जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया और जैसे नॉर्मल मिनिमम मैक्सिमम हो गया फाइंड करना एरे में, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे जो है आपसे पूछे जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड होता है वो ऐसे राइटिंग होता है। ऐसे राइटिंग में दोस्तों यहाँ पे जो है आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पे चेक की जाती है कि आप यहाँ पे इसमें दोस्तों आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में पता लगता है कि आप किस तरीके से यहाँ पे जो है राइटिंग स्किल्स आपकी कैसी है इंग्लिश में, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है चेक की जाती है। तो ये 3 दोस्तों यहाँ पे राउंड था। अब थोड़ा सा हम लोग जो है इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ा सा जो है कुछ आप अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि किस तरीके से आपका हुआ था और प्लेटफॉर्म कहाँ पे था जहाँ पे आपने ये इंटरव्यू दिया था। हाँ, तो इंटरव्यू के बारे में बात करें तो जो जिन बच्चों का क्लियर हो गया था असेसमेंट, उसके बाद इंटरव्यू की एक्सेल शीट आ गई थी जिन जिनका इंटरव्यू शेड्यूल था और जिस टाइमिंग पे शेड्यूल था वो भी आ गया था, अलग अलग बैचेस में था। और हमारा जो इंटरव्यू था वो सुपर सेट पे हुआ था, जिस टाइम पे इंटरव्यू था उससे 15 मिनट पहले हमने ज्वाइन कर लिया और फिर टाइम आने पे, जैसे अगर हमारा 11:15 पे शेड्यूल है तो फिर 11:15 से आपको 5-10 मिनट ऊपर वेट भी करना पड़ सकता है उसके अकॉर्डिंग कि आपका जो इंटरव्यू लेने वाला है वो फ्री हो गया है कि नहीं। तो उसके बाद 5-10 मिनट वेट किया और इंटरव्यूअर आया और इंटरव्यू स्टार्ट किया। और जो इंटरव्यू था वो एच आर प्लस टेक्निकल था। और यहाँ पे इंटरव्यू में मैंने एक गलती कर दी थी, जैसे ही इंटरव्यूअर आया उसके बाद मैंने तुरंत टेक्निकल समझ के वही बताने लग गया, जैसे कि एक तरीके से मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। तो फिर उसके बाद जैसे ही इंटरव्यूअर आया तो मैंने
मतलब जैसे एक रेलगाड़ी सी छोड़ दी कि ये मैं बताने लग गया, ये मेरा नाम है, ये मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और सीधे मैं अपने टेक्निकल स्किल्स पे आ गई, ये लैंग्वेज आती है मुझे और मेरे ये प्रोजेक्ट्स हैं। तो फिर इंटरव्यूअर ने मुझे रोका और फिर उन्होंने कहा कि आप दोबारा दिए और अपने बारे में बताइए। मतलब जो था वो एक तरीके से PI ओरिएंटेड था इंटरव्यू, और मैं टेक्निकल के हिसाब से प्रिपेयर किया था, तो वहां पे मैं अटक गया। तो वहां पे एक मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट किया है इंटरव्यूअर को कि ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है ढंग से। बात जो इंटरव्यूअर था वो अच्छा था, तो फिर उन्होंने मतलब एक तरीके से हेल्प कर रहे थे कि हाँ ऐसे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि दोस्तों कुछ ने कहा कि जो है इनका जब इन्होंने इंटरव्यू अपने देने गए तो इनको लगा कि वो सामने वाला इंटरव्यूअर टेक्निकल इंटरव्यू लेगा, बट वो जो है थोड़ा सा इनसे पर्सनल इंटरव्यू के बारे में जानना चाहता था। और यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा नर्वस हो गए थे और ये अपनी सारी डिटेल वगैरह स्किल्स सब कुछ बताने लगे थे। बट और उसके बाद इंटरव्यूअर काफ़ी सही था तो इनको जो है काफ़ी हेल्प मिली उससे, जो है फिर ये थोड़ा सा कम्फर्टेबल हो पाए और उसके बाद जो है अपना इंटरव्यू प्रोसीड कर पाए। तो उसके बाद जो है आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे इंटरव्यूअर ने? पर्सनल रिलेटेड पूछे पहले तो कि आप कहाँ से हैं, आपका होम टाउन क्या है, आपका जो स्टडी बैकग्राउंड है वो कैसा है, और वो ही सब जो पर्सनल होता है वो सब पूछा मुझसे। और फिर उसके बाद मुझसे पूछा कि आपने कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रखी है। तो फिर मैंने बताया कि मैंने C++ कर रखी है, सी कर रखी है, जावा, पाइथन, पर मैं मोस्टली पाइथन में कोड करता हूँ। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे भी एक और कंफ्यूजन हो गया था कि मैंने बोला था कि मैं C++ करता हूँ, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं सी में करता हूँ कोड। तो उन्होंने गलती से मुझे सी में कोड दे दिया, कह कि एक कोड दे दिया मुझे, लूप का कोड दे दिया कि मतलब हेलो वर्ल्ड आपको 60 बार प्रिंट करवाना है सी लैंग्वेज यूज करके। तो फिर उसके बाद मैं करने बैठा तो मुझे सी में नहीं आता था, मुझे C++ में आता था। तो फिर उन्होंने इंटरव्यूअर ने कहा कि आपने तो कही थी आपको C++ पढ़ रखी है, नहीं आपने कही थी आपने सी पढ़ रखी है। तो मैंने कहा कि मैंने C++ कही थी। तो कह के अच्छा अच्छा तो आप C++ में करके दिखाओ। तो मैंने वो करके दिखा दिया और पाइथन में भी करके दिखा दिया मैंने। तो फिर वो मेरे वहाँ पे इंटरव्यू सही चला गया। और एक और मिस्टेक हुई थी कि जो मेरी कम्युनिकेशन थी वो एट द मार्क नहीं थी, मतलब मैं थोड़ा नर्वस हो गया था स्टार्टिंग थी, जो फ्लो था वो ब्रेक हो गया था। तो फिर उसकी वजह से जो इंटरव्यूअर था उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, तो वो उस चीज़ के लिए फीडबैक मुझे दे रहा था कि आपको ये चीज़ आपकी कम। तो ये काफ़ी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इंटरव्यूअर के साथ, तो यहाँ पे जो है इन्होंने कन्फ्यूज़न को दूर किया और बताया कि यहाँ पे जो है ये C++ में कोडिंग करते हैं, और इंटरव्यूअर ने जो है इनसे सी में जो है कोड कराने लगे। नॉर्मल जो है फॉर लूप जो यूज़ होते हैं उसमें आपको हेलो वर्ड प्रिंट कराने होते हैं, जैसे कि कुछ ने बताया इनसे पूछा गया था, तो और थोड़ा सा नर्वस हो गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत जो है दोस्तों यहाँ पे मिरर के सामने अपनी थोड़ी बहुत जो है आप पहले से प्रिपरेशन करके जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो है जब आप इंटरव्यू देने बैठते हैं और आपका यहाँ पे स्टार्टिंग होता है और फ्रेशर्स होते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा नर्वसनेस होती है। तो आप इन चीज का दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं और आप अपना इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ आप बताइए, यहाँ पे जो ऑडियंस है वो आपको देख रही है, तो आप बताइए कि यहाँ पे लोगों को स्ट्रेटेजी की किस तरीके से जो है आपने इस कंपनी को क्रैक किया और कैसे और लोग क्रैक कर सकते हैं? स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है, आपको देखना है जाके कि जो ये कंपनी है, कंपनी के बारे में आपको रिसर्च करनी है कि वो कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछती है और कैसे कैसे कितना टाइम बाउंड रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे जो है कुछ ने जो है काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी, यहाँ पे जो है इन्होंने इस कंपनी को क्रैक कर लिया। और यहाँ पे लोगों को जो है आप टिप्स क्या देना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ से ये जो है पढ़ सकते हैं? आप ऑनलाइन जाएंगे तो फिर आपको अलग अलग वेबसाइट मिल जाएंगी, जैसे गीक्स फॉर गीक्स हो गई या फिर जावा T-Point हो गई, और भी वेबसाइट्स हैं W3 School, ऐसे ही वेबसाइट पे आप सर्च करेंगे तो विप्रो के आपके प्रीवियस क्वेश्चन आ जाएंगे जो पहले पूछे जा चुके हैं, आप उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये जो दोस्तों इंटरव्यू रहा, ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो है कुश मित्तल की तरफ से, और काफ़ी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आपको सीखने को मिली होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे जो है इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेगा, और चैनल पर नए तो दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।